गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम अपना लेसन हिमाचल प्रदेश तक रीड कर लिया था। आज हम रीड करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड इज़ द नोन फॉर द गढ़वाल एंड कुमाऊँ हिल्स। उत्तराखंड किस किस के लिए जानी जाती है स्टूडेंट? गढ़वाल और कुमाऊँ हिल्स के लिए जानी जाती है। मंसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर द पॉपुलर हिल स्टेशन। यहाँ के पॉपुलर हिल स्टेशन कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मंसूरी, नैनीताल और रानीखेत यहाँ की ऐसी फेमस जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग जाना पसंद करते हैं। देहरादून इज़ द स्टेट कैपिटल। देहरादून इस राज्य की राजधानी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग। ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? व्यापार। कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार क्या है? फार्मिंग है, खेती करना है। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर पॉपुलर रिलीजियस प्लेसेस दैट अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड इवन फॉरेनर्स टू दिस स्टेट। क्या है? हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ऐसी जगहें हैं जो हज़ारों भारतीयों को और देश विदेश से आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स सिक्किम के बारे में। सिक्किम विद इट्स कैपिटल एट गंगटोक इज़ अ स्मॉल स्टेट। सिक्किम की कैपिटल क्या है स्टूडेंट? राजधानी क्या है? गंगटोक, जो कि एक छोटा सा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू थ्री ट्राइब्स। ट्राइब्स मीन्स होता है जाति। कि यहाँ इस राज्य के लोग तीन जातियों से पहचाने जाते हैं। कौन कौन से हैं वो ट्राइब्स? लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। कौन कौन सी है स्टूडेंट? लेपचा, भूटिया एंड नेपाली। देयर क्लॉथ्स डिपेंड ऑन द ट्राइब टू विच दे बिलोंग। उनके जो कपड़े हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, इसी पे उनके क्लॉथ्स क्या हैं डिपेंडेंट होते हैं। However, men and women wear colorful costumes and women love to wear jewelry made of gold and beads. जैसे कि वहाँ के men और women बहुत ही colorful कपड़े पहनते हैं, बहुत ही colorful रंग बिरंगे जो हैं उनके costumes होते हैं। और जो वहाँ की women's हैं, औरतें हैं, वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? ज्वेलरी पहनने को। ज्वेलरी यानी कि जो आभूषण होते हैं उनको पहनने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जो कि किससे बने होते हैं स्टूडेंट? गोल्ड से, यानी कि सोने से बने होते हैं। एंड बीड्स, बीड्स मीन्स क्या होती हैं? मोतियों से बने होते हैं। ऑर्चिड्स ग्रो हेयर इन एब्यूडेंस एंड द हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर वैली इन्हेंस द ब्यूटी ऑफ द स्टेट। ऑर्चिड्स मीन्स होता है स्टूडेंट, और ऑर्किड्स ग्रो हेयर यानी कि जो वृक्ष है वो यहाँ पर उगाया जाता है। एब्यूडेंस मीन्स कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा भरमार होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। एंड द हाई माउंटेन्स, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। एंड डीप रिवर्स, और जो गहरी गहरी नदियां हैं। वैलीज इन्हेंस होते हैं कि जो घाटियां हैं वहां की, जो जिनमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया है। वैलीज मीन्स घाटियाँ, इन्हेंस मीन्स सुधारना या वृद्धि करना, इस स्टेट की, इस राज्य की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट हम रीड करेंगे स्टूडेंट वेस्ट बंगाल के बारे में। द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर टी गार्डन्स। जो वेस्ट बंगाल का नॉर्थन पार्ट है यानी कि उत्तरी भाग है, वो किस चीज़ के लिए
फेमस होता है स्टूडेंट टी गार्डन के लिए, यानी कि जो चाय का बागान है उसके लिए वहाँ वो जगह फेमस है। दार्जिलिंग इज़ द नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड इज सिचुएटेड इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयस। दार्जिलिंग जो है वो उत्तर में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि ये जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर मनाई गई है, हिमालय की फुट हिल्स में यानी कि तलहटी में ये बनी हुई है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिल स्टेशन एंड दार्जिलिंग टी। ये किस किस के लिए फेमस है स्टूडेंट्स, इन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशंस के लिए और दार्जिलिंग टी के लिए फेमस है। नेक्स्ट स्टूडेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। जो नॉर्थ उत्तर और पूर्वी राज्य हैं भारत के वो अपने खुद की ही सुंदरता से जाने जाते हैं। लाइक अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रीजन। जो अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे बड़ा राज्य है। ईटानगर इज़ द कैपिटल सिटी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज़ लेस एंड पीपल लिव इन हाउसेस ऑन स्टील टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड स्नेक्स। यहाँ की जो पॉपुलेशन है यानी कि जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। और वहाँ के लोग कहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट्स, स्टील हाउस में यानी कि स्टील से बने हुए हाउस में रहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किससे, बारिश से और स्नेक से यानी कि सांप से बचाने के लिए वो स्टील हाउस में रहते हैं। नेक्स्ट रीड करेंगे हम स्टूडेंट्स मणिपुर। मणिपुर इज़ फेमस फॉर द मणिपुरी डांस। मणिपुर किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स, मणिपुरी डांस के लिए। इट्स कैपिटल इज़ इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज़ फार्मिंग एंड वेविंग। वेविंग मीन्स बुनना। यहाँ का जो शुरुआती व्यापार है वो कौन सा है, या तो खेती करना है या फिर बुनाई करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम बैम्बू केन एंड लेदर आर मेड हेयर। क्या है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बैम्बू होते हैं उनसे, केन यानी कि जो छड़ी होती हैं उनसे, और लेदर जो चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। मेघालय इज़ वेल नोन फॉर रिसीविंग द हार्वेस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मेघालय किस लिए जाना जाता है कि हार्वेस्ट रेनफॉल ग्रहण करने के लिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है इसीलिए ये ज़्यादा जाना जाता है। शिलोंग इज़ द इट्स कैपिटल एंड फेमस हिल स्टेशन। शिलोंग जो है मेघालय की क्या है, राजधानी है और यहाँ का हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है। गोरा खांसी एंड जेनिटा आर द मेन ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन। गोरा खांसी और जेनिटा यहाँ के तीन जनजातियाँ हैं। दे आर मेनली फार्मर्स हु ग्रो राइस, जूट, पोटैटोस, शुगर केन, पाइनएप्पल्स एंड ऑरेंज। यहाँ के लोग मेनली क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, जो कि क्या क्या उगाते हैं, राइस यानी कि चावल उगाते हैं, जूट उगाते हैं, पोटैटोज आलू की खेती करते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना, पाइनएप्पल, अनानास एंड ऑरेंज यानी कि संतरे की खेती यहाँ पर ज़्यादातर की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मिज़ोरम। मिज़ोरम इज़ अ स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद आइजोल एज इट्स कैपिटल। मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल है स्टूडेंट्स। और ये उत्तर और पूर्वी
राज्य में क्या है, पॉपुलर है। इट्स पीपल आर कॉल्ड मिजोस, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, मिजोस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मिजोस आर लिटरेट, मिजोरम के ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मिजोस कहा जाता है, और ज़्यादातर लोग वहाँ के क्या होते हैं, लिटरेट होते हैं। द फेमस बैम्बू डांस इज फ्रॉम दिस स्टेट, वहाँ पर क्या किया जाता है, बैम्बू डांस किया जाता है। जैसे कि हमें इस में दिखाया गया है, इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है स्टूडेंट्स कि ये लोग क्या कर रहे हैं, बैम्बू डांस कर रहे हैं। नागालैंड ऑल्सो हैज़ अ नंबर ऑफ ट्राइब्स, नागालैंड के पास भी कई तरह की जनजातियाँ हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वियर शॉल्स विद डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग तरह की शॉल्स को ओढ़ते हैं, वियर करते हैं, पहनते हैं अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग तरीक़ों से। द डिज़ाइन ऑन द शॉल हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्राइब्स टू विच दे बिलोंग, उनके शॉल के डिज़ाइन से हमें ये जानने में मदद हो जाती है कि वो किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ कोहिमा, क्या है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर एंड दे ग्रो राइस, मेजी, मिट्स एंड ऑरेंज, मेजी मीन्स मक्का, मिट्स मीन्स बाजरा। मोस्ट ऑफ पीपल, यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो किसान होते हैं, और वो क्या क्या उगाते हैं, राइस यानी कि चावल, मेजी, मक्का, मिट्स, बाजरा और संतरे की खेती वहाँ की जाती है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकेंड लेसन जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।